हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किस किस टाइप के जनरली कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड वो टेस्ट होते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट टेस्ट है यहाँ पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिस टेस्ट। जी हाँ, मोस्ट कॉमन टेस्ट है आपका मॉलिस टेस्ट। जनरली पूछा जाता है किसके लिए जनरली प्रिफर किया जाता है। तो मॉलिस टेस्ट जो होता है जनरली ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या किया जाता है, प्रिफर किया जाता है। यहाँ पर टेस्ट में अगर मैं बात करूँ तो कंपाउंड की अल्फा नेप्थॉल इन इथेनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को जनरली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी भी मोनोसैकेराइड, किसी भी डाइसैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के जितने भी आपकी क्लास होते हैं सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉलिस टेस्ट का यूज करते हैं। यहां पर ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो पर्पल रेड रिंग देखने को मिलती है एट जंक्शन ऑफ टू लिक्विड, यानी कि दो लिक्विड के बीच में पर्पल और आपका रेड रिंग देखने को मिलता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये दो आपस में क्या है, लिक्विड्स हैं, इनके बीच में आपको एक लेयर देखने को मिलेगी जो कि ये शो करेगी ये आपका जनरली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो यहां पर हम देख सकते हैं इन्फेरेंस की बात करें तो फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स में आपके आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, सभी के लिए जनरली क्या किया जाता है, ये प्रिफर किया जाता है, सिंपल के लिए भी और कॉम्प्लेक्स के लिए भी। कॉम्प्लेक्स में आपके पॉलीसेकेराइड्स और आपके सिंपल में आते हैं मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स, यानी कि लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, सारी के लिए ये आपका क्या किया जाता है, प्रिफर किया जाता है। तो मोस्टली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट टेस्ट है आपका यहां पर वेनेडिक्ट टेस्ट। जी हां, वेनेडिक्ट टेस्ट में थोड़ा सा यहां पर क्या रहेगा, ये सभी आपके कार्बोहाइड्रेट्स के लिए नहीं होता है, ऑल के लिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो मॉलिस टेस्ट आपको याद रखना है। यहां पर टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉपर सल्फेट पेंटेहाइड्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट और आपका सोडियम सिट्रेट को क्या किया जाता है, 2 मिनट के लिए आपका गर्म किया जाता है। उसमें आपको जनरली क्या ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जर्वेशन में ऑरेंज रेड और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट कलर आपको देखने को मिलेगा जो कि शो करेगा ये जो आपका टेस्ट है जनरली ये कैसा है, राइट है, यानी कि प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हुआ है। और याद रखिएगा ये जो आपका वेनेडिक्ट टेस्ट होता है ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए जनरली प्रिफर किया जाता है। तो यहां पर इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करूं तो रिड्यूसिंग शुगर के लिए जनरली वेनेडिक्ट टेस्ट क्या किया जाता है, प्रिफर किया जाता है। अब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो रिड्यूसिंग में आपके आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी किस में आते हैं आपके जनरली रिड्यूसिंग शुगर में। वही हम बात करें नॉन रिड्यूसिंग शुगर की तो सुक्रोज, ट्रेलोज, स्टार्च, इनके लिए जनरली वेनेडिक्ट टेस्ट आपका प्रिफर नहीं किया जाता। कलर की हम बात कर रहे थे तो ऑरेंज और आपका ब्रिक रेड कलर देखने को मिलता है। तो याद रखना है यहां से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। नेक्स्ट टेस्ट है यहां पर फैलिंग टेस्ट। तो देखिए वेनेडिक्ट टेस्ट, फैलिंग टेस्ट मोस्टली आपके यहाँ पर क्या होते हैं, ये सेम होते हैं, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाता है आपका जनरली जो कंपाउंड होता है, जो फैलिंग आपका कंपाउंड होता है उसका डिफरेंस होता है और ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस होता है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट दिया हुआ है क्या, फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी को दोनों को आपस में क्या करते हैं, ऐड करके 2 मिनट तक जनरली क्या किया जाता है आपका, ये बॉइल किया जाता है। ऑब्जर्वेशन में यहां पर येलो रेड प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है, यानी कि ये जो येलो कलर है और रेड कलर है प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में देखने को मिलता है ऑब्जर्वेशन में, जो कि डिफाइन करता है कि यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स आपका प्रेजेंट है। इंटरफेरेंस की बात करें तो जैसे आपका वेनेडिक्ट टेस्ट होता है रिड्यूसिंग शुगर के लिए, वैसे ही यहां पर ये भी आपका रिड्यूसिंग शुगर के लिए क्या होता है, आपका वेलिंग टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। रिड्यूसिंग शुगर में और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में अभी हमने जस्ट जो बात की थी, यानी कि रिड्यूसिंग शुगर में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ऑल मोनोसैकेराइड्स, आपके जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सभी आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, और आपका जो डाइसैकेराइड होता है माल्टोज और लैक्टोज आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, एक्सेप्ट आपका सुक्रोज और लोज को छोड़कर आपके ये क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से भी जनरली आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टेस्ट दिया हुआ है टॉमर्स टेस्ट। जी हां,
टॉमर्स टेस्ट में क्या किया जाता है, टॉमर्स रिएजेंट को यहां पर भी आपका 2 मिनट तक बॉइल किया जाता है। तो टॉमर रिएजेंट्स को जनरली 2 मिनट तक बॉइल करते हैं। ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो येलो और रेड प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है यहां पर, रेड कलर का और येलो कलर का प्रेसिपिटेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। यह भी आपका जनरली सेम एज एसिड वेनेडिक टेस्ट और फेलिंग टेस्ट की तरह होता है, यानी कि इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करूं तो यह भी आपका रिड्यूसिंग शुगर के लिए जनरली क्या होता है, परफॉर्म किया जाता है। तो BFT ये जो टेस्ट होता है, वेनेडिक टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और आपका टैमोर टेस्ट। तो टॉमर टेस्ट जनरली ये किसके लिए प्रिफर किए जाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर के लिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सुक्रोज आपका वेनेडिक टेस्ट में जनरली आपका शो करेगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सुक्रोज, ट्रेलोज, स्टार्च ये आपके जनरली वेनेडिक टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं, यानी कि शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है यहां पर वारफॉइड टेस्ट। जी हाँ, वारफॉइड टेस्ट आपका जनरली प्रिफर किया जाता है, ये भी आपके कार्बोहाइड्रेट टेस्ट का ही पार्ट होता है। तो टेस्ट में न्यूट्रल कॉपर एसिटेट इन एसिटिक एसिड, जिसको बॉइल किया जाता है, किसमें, वाटर वाथ पे क्या किया जाता है, इसको बॉइल किया जाता है। ऑब्जर्वेशन में अगर हम बात करें, ब्रिक्स रेड प्रेसिपिटेशन एट बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यानी कि यहां पर क्या होता है, जो ब्रिक रेड कलर होता है वो जनरली बॉटम में देखने को मिलता है ऑब्जर्वेशन में। वही हम बात करें किसकी, इंटरफेरेंस की, तो डिसइंटीग्रेट बिटवीन मोनोसैकेराइड फॉर्म डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ये मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड जनरली 2 कैटेगरी में यहां पर डिफाइन किया गया है। पॉलीसैकेराइड्स के लिए जनरली ये प्रिफर नहीं किया जाता है, तो याद रखना है आपको। यहां पर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर आपका मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड दोनों के लिए जनरली क्या किया जाता है, ये प्रिफर किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट है यहां पर सेलिवेनोव टेस्ट। जी हाँ, सेलिवेनोव टेस्ट जो होता है, यहां पर आपका डिफरेंस नहीं होता रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग से, यहां पर कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एल्डोज सुगर और कीटोज सुगर से। तो टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका जो कंपाउंड होता है रिसोर्सिनॉल इन HCl, रिसोर्सिनॉल इन HCl जनरली क्या किया जाता है, आपका यूज किया जाता है सेलिवेनोव टेस्ट में। ऑब्जर्वेशन में आपका डीप चेरी रेड कलर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, यानी कि जो आपका कलर रहता है ये कैसा रहता है, डीप चेरी रेड कलर रहता है। और इंटरफेरेंस की मैं बात करें यहां पर, तो डिसइंटीग्रेट्स बिटवीन कीटोज और एल्डोज फॉर्म, यानी कि कीटोज फॉर्म के लिए और एल्डोज फॉर्म के लिए दोनों के लिए ही ये टेस्ट आपका परफॉर्म किया जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आपके ग्रुप्स होते हैं, जैसे आपका, जैसे अगर मान लो एल्डिहाइड्स को छोड़कर, कीटोज को छोड़कर अगर आपका कोई अदर ग्रुप प्रेजेंट है, ग्रुप में आपका जनरली कोई भी अदर ग्रुप हो सकता है एल्डोज को और कीटोज को छोड़कर, उसके लिए जनरली प्रिफर नहीं किया जाएगा। स्पेसिफिक टेस्ट है आपका कीटोन और एल्डिहाइड के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स विद फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन्स, और वही हम बात करें किसकी, फ्री फंक्शनल ग्रुप्स की और नॉट अवेलेबल, यानी कि यहां पर आपके जो 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 कंपाउंड दिए हुए हैं सुक्रोज, ट्रेलोज और स्टार्च, यहां पर फ्रीली आपके कीटोन्स और एल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये आपके जनरली प्रॉब्लम करते हैं, जिसकी वजह से ये टेस्ट शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है टेस्ट में ओसाजोन्स टेस्ट। जी हाँ, ओसाजोन टेस्ट क्या होता है, जनरली यहां पर क्या किया जाता है, फिनाइल हाइड्रोलाजिन को रिएक्ट कराया जाता है, जिससे आपका जनरली क्या होता है, आपका जो भी आपका कंपाउंड है वो ओसाजोन फॉर्म करता है, इसी को हम बोलते हैं ओसाजोन टेस्ट। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं टेस्ट में, फिनाइल हाइड्रोलाजिन प्लस सोडियम एसिटेट प्लस वाटर, और जिसको हम हीट करते हैं कितनी देर तक, 20 मिनट तक इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ऑब्जर्वेशन में यहां पर कुछ क्लास देखने को मिलती है, ग्रेनिस येलो निडल ब्रोम स्टिक शेप क्रिस्टल टेस्ट फॉर आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज और मैनोज, यानी कि ग्लूकोज के लिए, मैनोज के लिए और आपका फ्रक्टोज के लिए जब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ओसाजोन फॉर्म करते हैं, तो उस कंडीशन में यहां पर आपको ग्रेनिस येलो निडल देखने को मिलता है। तो ये आपका क्या है, ग्रेनिस येलो आपका फॉर्म देखने को मिलता है। वही हम बात करें किसके लिए, पफ शेप्ड क्रिस्टल के लिए, जो कि यूज किया जाता है आपका किसके लिए, आपका लैक्टोज के लिए। तो यहां पर पफ शेप क्रिस्टल आपको देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट है आपका यहां पर क्या,
पेटल शेप्ड क्रिस्टल अपीयर्ड लाइक सनफ्लावर, यानी कि सनफ्लावर की तरह दिखता है यहाँ पर, जो किसके लिए होता है, टेस्ट फॉर माल्टोज के लिए। तो यहाँ पर ये आपको तीनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में किस टाइप का देखने को मिलता है, ग्रीनिश येल्लो। वही हम बात करें किसकी, लैक्टोज की, तो पफ शेप्ड क्रिस्टल होता है, और माल्टोज की अगर हम बात करें तो पेटल शेप्ड क्रिस्टल देखने को मिलता है। तो ये है आपका ओसाजोन टेस्ट, जो कि बार बार क्वेश्चन जनरली यहाँ से पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी फॉर्म ओसाजोन। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो एक रैपिड रिविजन देख लेते हैं यहाँ पर, मॉलिस टेस्ट में जिसमें हम अल्फा नेप्थोल इन इथेनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 यूज करते हैं, जिसमें आपका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, पर्पल रेड रिंग देखने को मिलती है। सभी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जनरली क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्या, वेनेडिक टेस्ट। तो वेनेडिक टेस्ट में कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट आपका जनरली, और सोडियम सिट्रेट को 2 मिनट तक क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, रिड्यूसिंग शुगर के लिए यूज होता है, ऑरेंज रेड एंड ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। अब यहां पर एक चीज मैंने क्या बताया था, BFT यानी कि वेनेडिक टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और आपका टोमर टेस्ट, ये तीनों ही टेस्ट आपके जनरली यूज किए जाते हैं किसके लिए, रिड्यूसिंग शुगर के लिए। वही हम बात करें मॉलिस टेस्ट की, तो ये आपका किसके लिए होता है, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, जो मौला होते हैं ना, जैसे हम भगवान को क्या बोलते हैं, मौला बोलते हैं, बोलते हैं ना मौला मेरे मौला, तो सभी लोगों के लिए मौला सभी के लिए, यानी कि सेम होते हैं ना, सबका स्वामी, सबका, सभी के भगवान एक होते हैं जैसे, तो इस तरीके से हम मान सकते हैं। तो M से याद रखिएगा, मॉलिस टेस्ट, और मॉलिस टेस्ट आपके सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए सेम होता है। बाकी अगर मैं बात करूं VFT की, जो आपकी बाइक होती है ना, उसकी जो रेस होती है ना, वो रेस बहुत ज्यादा होती है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं सिंपल सा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं वारफॉइड टेस्ट। वारफॉइड टेस्ट में आपका मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड्स के लिए जनरली क्या किया जाता है, प्रीफर किया जाता है। वही हम बात करें सेलिवेनोव टेस्ट, सेलिवेनोव टेस्ट जनरली कीटोन और एल्डोज शुगर के लिए प्रीफर किया जाता है। ओसाजोन, वही हम बात करें तो लैक्टोज माल्टोज के लिए भी जनरली आपका, लैक्टोज और माल्टोज, मैनोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए जनरली क्या किया जाता है, प्रीफर किया जाता है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा। तो ये थे डियर स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स रिलेटेड, जिसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।